हमारे साथ बाय चांस जुड़ चुके हैं प्रवीण कुमार, जो असेंबली हलका बनी से कंटेस्ट करने जा रहे हैं एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और इनका चुनाव निशान है गैस सिलेंडर। वेलकम सर, ये दूर दराज इलाके में पहुंचे हैं डुगानी टाप, जो यहाँ आना जो है सबके बस का काम नहीं है, रोडों की खस्ता हालत है। वेलकम सर जी। नमस्कार, आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद। बहुत समय से हम आपके पास पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आज अचानक हमारी मुलाकात हुई, तो शायद मीडिया कवरेज हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो जाएगी जी। सर, जैसे आपका पैशन बन चुका है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कंटेस्ट करके बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, क्या क्या जो इश्यूज हैं वो आप उजागर करेंगे और उसके लिए स्ट्राइव कर रहे हैं आप? देखिए, जैसा कि आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ष 2020 से मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ा हुआ हूं, और बतौर आज़ाद कैंडिडेट ही मैं DDC का चुनाव इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट कर चुका हूं। मुझे 582 वोट उस समय मिला था, और हर एक पोलिंग स्टेशन से चाहे 5 मिला 10 मिला, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कनेक्टिविटी मेरी बन चुकी है। मुझे मेरा चुनाव हारना या जीतना मेरा टारगेट नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि इस इलाके में जो भी कैंडिडेट जीते उभर कर आए, यहां के जो मसाइल हैं वो कानून असेंबली में उठाकर यहां की तरक्की और खुशहाली हो पाए। जैसे आप यूथ हैं, और यूथ के क्या इश्यूज़ हैं जो आप एड्रेस करना चाहेंगे इस असेंबली इलेक्शन के माध्यम से? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा यहाँ पर युवाओं की जो भागीदारी है इस पॉलिटिकल सिस्टम में, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ का युवा जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले पा रहा है। फिर भी हमारी युवाओं की टीम पूरे 4 ब्लॉक स्तर में, उनको पता है कि हमारे युवा साथी प्रवीण कुमार जी इस चुनाव का हिस्सा बने हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी हम हमारी जो कंपेन है ब्लॉक डुगैन से ख़त्म हो रही है, और हम ब्लॉक लोहिमलार में एंट्री करने वाले हैं, और पिछले 6-7 दिन से कंटिन्यूसली हम इस इलाके का दौरा कर रहे हैं, और यहाँ की कंपेन, हमारी कंपेन का मकसद इस चुनाव को टारगेट करना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम पूरी रियलिटी को पब्लिक डोमेन में लाएं, और जहां जो भी कैंडिडेट जीते वो एक अच्छा कैंडिडेट हो और यहां के मसले को हाईलाइट कर सके जी। सर, जिस तरह पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं हमारी स्टेटहुड को डाउनग्रेड किया गया, 370 को असंवैधानिक तरीके से हटाया, अपेक्स कोर्ट की 3 जजमेंट्स हैं कि 370 इज परमानेंट, कैन नॉट बी रिवोक्ड, और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो चरम सीमा पे है, प्राइस हाइक्स इन द मार्केट है, तो कैसे है आप इस जो अभी भंवर से यूथ को जो है वो उजागर करके एक स्ट्रांग कंटेंडर बनाएंगे जम्मू कश्मीर की जनता को? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने युवा साथियों को कि इस चुनाव का हिस्सा बने, और 3-4 दिन आप चाहे जम्मू कश्मीर की 90 सीट्स पे चुनाव हो रहा है, हर एक अच्छा यहाँ पर गवर्नमेंट बने, और उसके बाद जॉब क्रिएशन की जो जॉब्स हैं निकले हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जब स्टेटहुड रिस्टोर हो जाएगी या गवर्नमेंट बनती है, तो उसके बाद यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी हमारे युवा साथियों को मिल सकेगी, और यहाँ के युवा जो कि अपनी डिग्रियाँ करके आज दर दर फिर रहा है और जॉब्स की तलाश कर रहा है, उनको जॉब्स मिल पाएँ अगर यहाँ पर गवर्नमेंट बनती है तो। इसलिए यहाँ पर अच्छी गवर्नमेंट बने, अच्छे कैंडिडेट सामने आए, और ताकि इस इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए हर प्रकार से डेवलपमेंट हो सके। प्रवीण सर, जैसे हमने आउटरीच किया दूर दराज इलाकों में, और रोना आता है, इतनी गरीबी है, लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, उनके घर के सदस्य जो हैं वो बाहर राज्य में पल्लेदारी करने के लिए गए हैं, और घर की जो है वो खस्ता हालत है, सड़कें नहीं है, गलियां नहीं है, और घर भी अच्छे नहीं है, कच्चे घर हैं, और गवर्नमेंट की जो एसेंशियल गवर्नमेंटल सर्विसेज हैं उनकी भी रसाई उन तक नहीं है, कैसे आप जनता को मैसेज देंगे कि एक अच्छी सरकार चुने जो गरीबों की रसाई करे और जो सर्विसेज हैं उन तक पहुंचाएं? नेटवर्क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आज भी हम 2024 डिजिटल इंडिया की बात की जाती है तो दूर दराज इलाकों में ये सब सहूलतें जो है वो लोगों को वंचित रखा गया है। देखिए, डिजिटल इंडिया के कंसेप्ट की अगर बात करें तो हमारी विधानसभा क्षेत्र बनी ट्रेड कॉन्स्टिट्यूएंसी की हालत बहुत खस्ता है। जैसे ही मैं भंडार में गया, वहाँ पर भी नेटवर्क नहीं था, मैं गुटू बलाल उधर डंडी गुटू में गया तो वहाँ नेटवर्क नहीं है, उसके अलावा खतल क्लोर में गया वहाँ नेटवर्क नहीं है, और आज मैं ब्लॉक डुगैन के बांजल बटवाल से वापस आ रहा हूँ तो वहाँ पर भी नेटवर्क की समस्या जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा गुटू फलाल के एरिए में भी नेटवर्क की इशू है। इसके अलावा बिजली और पानी की जो समस्या है, पाइपें लगी हुई हैं लेकिन सप्लाई नहीं है। देखिए, रोड बने हुए हैं लेकिन रोड़े हैं,
तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं जिन पर काम करने के लिए एक अच्छा कैंडिडेट जो है यहाँ पर ओबर कराए हम, इसलिए यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेशन दिखा के यूथ को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी भी 8 कैंडिडेट कम है यहाँ पर, यहाँ पर कम से कम 2, हर एक पंचायत से 2 कैंडिडेट होने चाहिए थे, युवा होने चाहिए थे, पढ़े लिखे होने चाहिए थे, डेडिकेटेड होने चाहिए थे, उन 40 में से जो कोई भी जीतता और उभर के सामने आता है। अब 8 कैंडिडेट हैं तो मिर्ची लग रही है पार्टी वालों को, बड़े बड़े लोगों को, जो कि आज देखो पहली बार हम देख रहे हैं कि कल अमित शाह जी बनी में आ रहे हैं, कभी सोचा था आपने कि कैबिनेट को पूरी उतर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी भी बात है और उनको ये भी मैसेज रहेगा बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को कि हमारे ब्लॉक डुगान के रुखला विलेज में जाएं, वहाँ के लोग आज भी मांडली राशन लेने के लिए जाते हैं और ग्राउंड रियलिटी को देखें, यहाँ पर वोट लेने से कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पर राजनीति में परिवर्तन होना चाहिए, युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए और हर एक 4 ब्लॉक के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर गैप है, ब्लॉक डुगन में डेवलपमेंट है, ब्लॉक लोहीमल में डेवलपमेंट नहीं है, ब्लॉक डुगान की हालत और भी खस्ता है। इसके अलावा अगर हम बनी ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है, ये गैप है, ये डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट की मैं बात करूँगा, हर एक सेक्टर की मैं बात करूँगा। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति जम्मू कश्मीर में बहुत पीक छू रही है, इसके अलावा और भी यहाँ एक यहाँ की इलेक्शन एक सीज़न बन चुकी है, यहाँ पर हर एक कैंडिडेट के गाने बज रहे हैं, यहाँ की कंपेन जो है वो अपना अपना रुख मिली है, लेकिन प्रवीण कुमार खुद कंटेस्ट कर रहा है और अपनी मंशा से कर रहा है, मेरे साथ छोटी सी टीम है, डेडिकेटेड टीम है और सिंपल वे में हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर एक कोने में पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि जहां कहीं भी हमें रास्ते में कोई मिलता है, हमें पता नहीं है कि आज कहां रहना है और कल कहां रहना है, लेकिन ये पता है कि हम बनी परेड कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही रहेंगे 29 तारीख को 6 बजे तक। जी प्रवीण जी, आखिरी क्वेश्चन है, आप कंपेन पे हैं, ज़्यादा देर नहीं रोकना चाहेंगे, दूर दराज इलाका है, आउटरीच करना बड़ा मुश्किल है और सबके बस का काम भी नहीं है, जिस तरह 10 सालों में इस डबल इंजन सरकार ने, अभी तो एनडीए सरकार है, आगे ये भी नहीं रहेगी, गरीब लोगों का शोषण किया है और भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे रहा है, क्या आप मैसेज देंगे कि 1 तारीख को जनता ने मन बना लिया है और इनको चूना लगा के वापस जो है वो भेज दिया जाएगा पवेलियन में? देखिए ये आगे देखो, अभी पब्लिक हमारी जो है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेट में है, कभी एक कैंडिडेट के सॉन्ग सुन रहे हैं, कभी दूसरे के सुन रहे हैं, 8 कैंडिडेट उनके बीच जा रहा है। आज आप देखो कि पहली बार बनी विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव है बड़ा ही ट्रिकी हो चुका है, यहाँ पर अगर ब्लॉक डुगन में जाओगे तो पूछते हैं कि ब्लॉक डुगन का क्या हालात है, तो इस तरीके से लोग हवा पे वोट डालते थे। मैं लोगों को यही कहता हूँ, हर एक कैंडिडेट का परिचय देता हूँ कि यहाँ ज़्यादातर 4 कैंडिडेट सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए बता दूँ 4 नहीं बल्कि 8 के 8 कैंडिडेट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं और हर एक कैंडिडेट यहाँ पे वोट लेगा, चाहे थोड़ा बहुत लेगा। मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि कैंडिडेट को पहचानें, हवा पे वोट ना दें, जो कैंडिडेट आपको लगता है कि आपके इलाके की आवाज़ बन सकता है उस कैंडिडेट को सपोर्ट करें और इस तरीके से हम अवेयर कर रहे हैं, गलत मैसेज नहीं डाल रहे हैं, हमारी कंपेन बिल्कुल प्रोडक्टिव वे में हो रही है, आराम से हो रही है, हर जगह नहीं पहुंच रहे हैं। इसके लिए हम सभी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की जितनी भी पब्लिक है उनसे गुजारिश करते हैं कि मैं हर जगह पहुँच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फेसबुक पर मेरे साथ जुड़े रहिए, जहाँ कहीं भी मैं जा रहा हूँ मैं पैगाम देना चाहता हूं कि मैं भी एक कैंडिडेट हूं, अगर आपको मेरी विचारधारा पे विश्वास है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, मैं आपके हर एक वोट की कदर करूंगा, हर एक वोट की मैं कीमत समझता हूं, 582 वोट्स मेरे लिए दोबारा चुनाव में हिस्सा बन